Hello everyone. Now let's see another topic, that is epsilon NFA to DFA conversion, one of the very important topic for exam point of view, right? Okay, once again we will see table to table, right? In previous video we have seen how to convert NFA to DFA with table to table method. Let's say the new name of this method is table to table. In short, we can say TT method, right? Let's say start. This is the new method. So similarly, yahan bhi hum log TT method apply karenge, that is table to table. Very easy, right? Sometime I heard about ki students are saying, ki sir, this is complex topic, but this is very easy. Just let's make it easy, right? So just table to table, okay? Okay, now, to, okay, sometime question may be asked, like, डायग्राम दे दिया जाता है आपको, ट्रांजिशन डायग्राम दे देगा और बोला जाएगा कि इसको आप डीएफए में कन्वर्ट करिए. तो एक काम करते हैं, इस टेबल को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका इस टेबल को ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं और फिर दोनों क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट टेबल टू टेबल. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्टेप्स लिखते हैं. तो जो काम यहाँ पे करेंगे वही चीज़ हम स्टेप्स के फॉर्म में लिखेंगे, जीरो सक्सेसर ऑफ दैट, जीरो सक्सेसर ऑफ दैट वन. ओके, तो वी विल सी दैट वन. तो फर्स्ट लेट्स मेक इट इजी. फर्स्ट तो डायग्राम बनाते हैं इसका, ट्रांजिशन डायग्राम. कितने स्टेट्स हैं? पी क्यू आर. तो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. वेरी इजी, ठीक. स्टार्टिंग स्टेट पी एंड फाइनल स्टेट इज आर. तो जस्ट आई एम गोइंग टू डबल सर्किल. Now listen carefully. P on epsilon phi means P on epsilon is phi means P पे हूँ. Epsilon transition पे हम कुछ नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब no transition, no states कोई. P on A is P. थोड़ा सा difficult, otherwise ये table से थोड़ा help मिलेगी आपको, ध्यान दीजिएगा. P on A P, तो P on A that is P. P on B that is Q, तो P on B that is Q. P on C that is R, तो P on C that is R, right? Q on epsilon that is P means Q पर हूँ, epsilon symbol से हम P पे जा सकते हैं. It means P on Q on epsilon that is P, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, that will be the epsilon. ध्यान दीजिएगा, Q on A that is Q, self loop, right? Q on B that is R, this is R. Q on C phi means no state, so just leave it, right? Because this is a part of NFA also, we can vary the choice. R on epsilon that is Q. R par hu input symbol pe epsilon milta hai, to hum Q pe ja sakte hain. This means R to Q, that is this one. Right, very easy. R on A that is R, the self loop. R on B, P on C, yes. R on B that is phi, no state. R on C that is P. R on C that is P. Very easy. That means this is the transition table, this is transition diagram. अगर एग्जाम में ट्रांजिशन डायग्राम आ गया तो आप ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे? हाँ, उसमें एक एप्सिलॉन भी होगा, इनपुट सिंबल्स भी होंगे और अकॉर्डिंगली वो ट्रांजेक्शन होगा. क्लियर? ठीक, डायग्राम देगा तो टेबल तो बनाना ही है. बिकॉज टेबल का नाम क्या है, इस मैथड का क्या नाम है? टी टी मैथड, राइट? तो टी टी मतलब टेबल बनाना पड़ेगा. अगर एग्जाम में टेबल दे दिया तो टेबल वेरी गुड, नहीं दिया तो ट्रांजिशन डायग्राम से टेबल बनाना तो पड़ेगा ही, राइट? सिमिलर केस में एनएफए में भी ऐसा ही हुआ था. एनएफए में अगर डायग्राम दिया है तो आपको टेबल बनाना ही है, टेबल टू टेबल, टीटी मेथड, राइट? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व, लेट अस स्टार्ट दिस वन. द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. इस क्वेश्चन के बेस पे दो क्वेश्चन पूछा गया था. कंप्यूट द नल क्लोजर ऑफ ईच स्टेट एंड कन्वर्ट दिस ऑटोमेटन टू डीएफए, राइट? तो यस, दिस इज ऑटोमेटन. ऑटोमेटन में, ऑटोमेटा फैमिली में, फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए,
एप्सिलॉन एनएफए, एनएफए मीले और मूरे मशीन आ रहा था, तो ये भी एक तरह से ऑटोमेटन ही है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डीएफए के अंदर, करेक्ट, वेरी इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे दैट विल बी स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे पूरा स्टेप लिखेंगे जो हम यहाँ पे करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नल क्लोजर क्या होती है, मतलब कंप्यूट द नल क्लोजर ऑफ ईच स्टेट। यू नो नल क्लोजर मीन्स व्हाट इज नल क्लोजर, मीन्स एक स्टेट के पास कौन क्लोज है, मीन्स स्टेट्स के साथ कौन क्लोज है विथ नल ट्रांजिशंस, राइट। यानी कि नल मूव करके हम किस स्टेट पे जा सकते हैं, दैट विल बी द क्लोजर, यानी कि दैट स्टेट्स विल कंसीडर एज ए क्लोजर। क्लियर है, सिंपल क्लोजर मतलब इसके क्लोज कौन होगा, इस स्टेट की इस स्टेट पे क्लोज कौन होगा अगर मैं नल ट्रांजिशन से, नल सिंबल से मूव कर गया तो सिंपल देखिएगा कैसे नल क्लोजर निकालते, वेरी इजी। नल क्लोजर के लिए आप एक काम करिएगा, यहाँ पर एक टेबल बनाइएगा, यहाँ पे एक और टेबल, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ नल क्लोजर, राइट। स्टेट कौन कौन से, पी क्यू आर, वेरी इजी मेथड, ध्यान दीजिएगा, टेबल टू टेबल मेथड, सारा टेबल और ये फाइनल टेबल बनेगा जो हमारा ये बनेगा, सुनेगा। तो नल क्लोजर क्या होती है, अब हम पी का नल क्लोजर कैसे पता करेंगे, सुनेगा ध्यान से, मतलब स्टेट पी पर हूँ तो मैं स्टेट पी से नल सिंबल को यूज करके कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक। तो देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, पी इट्सेल्फ, पी तो खुद पी पर जा सकता है ना, तो पी का नल क्लोजर तो इट्सेल्फ पी तो होगा ही, फर्स्ट थिंग पी होगा। और कहीं जा सकता है क्या, पी नल से कहीं जा सकता है क्या, नहीं। देखिएगा, पी ए से ए पे जा सकता है, बी से बी जा, और कहीं सी से आर पे जा सकता है, बट देयर इज नो नल, तो पी का नल क्लोजर केवल पी हो गया। सुनते रहिएगा, अब सब समझ में आ जाएगा। नो लेसन, क्यू का नल क्लोजर क्यू तो इट्सेल्फ होगा ही, तो दैट इज क्यू। नाउ लेट्स चेक, क्या क्यू नल सिंबल से कहीं जा सकता है, यस, क्यू जो है वो नल सिंबल से पी पर जा सकता है, इसका मतलब क्यू तो है इट्सेल्फ और पी पे भी जा सकता है, इट मीन्स दैट इज पी, और तो कहीं नहीं जा सकता, अगर इधर भी जाता तो आर भी लिख लेते, राइट। नाउ टेल मी आर कहाँ कहाँ जा सकता, सोचिएगा ध्यान से, प्लीज पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल, ठीक, और सोचिए कि कहाँ कहाँ जा सकता है नल मूव से, नल मूव पे आर तो इट्सेल्फ आर पे तो रहेगा ही, दैट विल आर पे तो रहेगा ही, और कहाँ जा सकता है, आर से क्यू पे जा सकता है, सोच लिया आपने, आर से कहाँ जा सकता है, क्यू पे जा सकता है, और कहीं जा सकता है क्या, और कहीं जा सकता है, यस, आर से नल पे क्यू पे आ गया, फिर क्यू से नल पे पी पे भी जा सकता है, इसका मतलब आर का जो नल क्लोजर होगा आर इट्सेल्फ क्यू एंड पी, वेरी इजी, दैट्स वेरी इजी। इसी को बोलते हैं नल क्लोजर और कुछ नहीं। नल क्लोजर मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट से नल मूव करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आर से हमने नल मूव करके क्यू पे चला गया, क्यू से नल मूव करके आर पी पे चला गया, तो आर क्यू पी आर द नल क्लोजर ऑफ स्टेट आर, वेरी इजी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अच्छा नल क्लोजर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, नाउ कम टू दिस मेथड हाउ टू कन्वर्ट। एक काम करिएगा, मेथड भी लिखूंगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसके बाद नल क्लोजर निकाल लिया, टेबल आपका दिया हुआ है, एक बार और नल क्लोजर लिखिएगा, सेम कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, देखिए कितना आसान हो जाएगा, सुनते रहिएगा। इसका फिर मैंने नल क्लोजर यहाँ पे लिख दिया, किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का नल क्लोजर, नल क्लोजर, नल क्लोजर पी का, पी हो गया सेम, दिस इज पी, क्यू का नल क्लोजर, क्यू का नल, अच्छा क्या मैं इस क्यू पी को पी के लिख सकता हूँ, आसान होगा,
थोड़ा रीडिंग में अच्छा रहेगा, क्योंकि पी क्यू पी क्यू मैं लूँगा ऐसे, तो क्यू पी को पी भाई सेट के अंदर कोई सेट में ऑर्डर थोड़ा होता है, सेट तो एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें कोई ऑर्डर पेयर थोड़ा होता है। तो आप क्यू पी को क्या लिख सकता हूँ, मैं पी क्यू लिख दूँ, यस थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि रीडिंग में अच्छा रहेगा पी क्यू। क्या मैं आर क्यू पी को पी क्यू आर लिख सकता हूँ, एग्री एनी नो, वेरी गुड, चलो आपने बोला मैंने लिख दिया पी क्यू आर लिख दिया, ठीक अच्छा, क्योंकि नेम थोड़ा सा एक सिक्वेंस में रहेगा, सिक्वेंस में रीड करने में भी आसानी होगी। नाउ पी क्यू आर, तो पी का पी, क्यू का पी क्यू, क्यू का पी क्यू एंड आर का पी क्यू आर, आर का पी क्यू आर, डन, नो प्रॉब्लम। वंस अगेन, टेबल आपको दिया था, क्लोजर आपने निकाल लिया, इसी क्लोजर को दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ये कहानी शुरू होती है टेबल टू टेबल, दैट इज टी टी मैथड, राइट, ओके। हाँ तो क्या करूँ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक ओके। हाँ जैसे एन एफ ए टू डी एफ ए किया था वैसे इसमें भी करेंगे, कैसे विजिबल है ना, हाँ तो ब्लैक पेन की विजिबिलिटी अच्छी है, सुनिएगा ध्यान से। तो कैसे कन्वर्ट कर, या इसके अंदर प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या है, नल क्लोजर, ट्रांजिशन टेबल एंड नल क्लोजर। तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ जो कि एल्गोरिदम ये बोलता है कि एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करने का एल्गोरिदम, वन लाइन स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट हियर। अगर अच्छा यू नो टेल मी व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रांजिशन टेबल और ये ट्रांजिशन फंक्शन जो कि डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन टेबल, ठीक अच्छा, डेल्टा फंक्शन के थ्रू ही हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो कैसे, अगर मैं पर्टिकुलर विजिबल नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से, किसी पर्टिकुलर एक विजिबल किसी को लो, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हूँ, सपोज करिए क्यू आई पर हूँ, ठीक क्यू आई, यहाँ पे क्यू आई, और उसकी एंट्री मुझे करनी है किसी सिंबल पे, एक्स सिंबल पे, ठीक एक्स सिंबल पे एंट्री करनी है, तो क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, क्यू आई स्टेट पर हूँ, किसी इनपुट सिंबल की एंट्री, क्योंकि अगर ये एंट्री हो गई तो मेरी खत्म हो गया ना, दैट विल बी टेबल, दैट विल बी द डीएफए। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हूँ, किसी इनपुट सिंबल के लिए एंट्री कैसे करेंगे वो लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा उसके लिए, हाँ उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नल क्लोजर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नल क्लोजर, नल क्लोजर ऑफ किसका, क्यू आई का, नल क्लोजर ऑफ क्यू आई, इतना समझ में आ गया, पहले निकालेंगे नल क्लोजर ऑफ क्यू आई, ये जितना आएगा उस पर हम उस पर्टिकुलर सिंबल का ट्रांजिशन फंक्शन निकालेंगे, दैट विल बी द हेल्प ऑफ डेल्टा, ये शुरू से करते आ रहे हैं। नल क्लोजर उस पर्टिकुलर स्टेट का निकाला, उसके बाद उस पर्टिकुलर सिंबल पर डेल्टा फंक्शन के थ्रू ट्रांजिशन लगाया, फंक्शन यूज किया, अब जो आया उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, नल क्लोजर निकालेंगे, नल क्लोजर, बस ये है कहानी, सिंपल। तो जो हम इतना कर रहे हैं, पहले नल क्लोजर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांजिशन सिंबल पे उसको फंक्शन लगाएंगे, जो आएगा फिर उसका नल क्लोजर लेंगे, तो इतना करने की जगह हम सिंगल क्यों ना टेबल टू टेबल करें। तो सिंपल सुनना क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टाइम नल क्लोजर, उसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ बनाया, जब ये इससे क्या करूँगा, मैं इससे वो सेट उठा लूँगा, उस सेट से मैं, उस सेट से मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर सिंबल पे ट्रांजिशन करूँगा, जितना आएगा वो इससे आएगा, इससे जितना आएगा फिर उसका उस पे रख के क्लोजर निकाल दूंगा, काम खत्म। तो वही काम हम करने जा रहे हैं टेबल टू टेबल मेथड, और कुछ नहीं। एक बार देखिए लास्ट तक, बिल्कुल समझ में आ जाएगा 100%, ठीक। तो बस लिसन, बी केयरफुल। तो अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहला स्टेट कौन है मेरा, पी, तो हमने पी लिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ एन एफ ए टू डी एफ ए भी है सही, ठीक, जैसे हम लोगों ने किया था, ठीक अच्छा। तो पी लिया, पी का नल क्लोजर कितना है, पी, पी का नल क्लोजर कितना है, पी, तो, हाँ सुनिएगा,
पी का नल क्लोजर, पी का हमने नल क्लोजर, इसका पी लिखा, पी लिया, पी का नल क्लोजर दैट विल बी द पी। अब हम इस पूरे की वैल्यू आ गई पी, इस पूरे की वैल्यू आ गई पी, पी का नल क्लोजर पी, और पी ऑन कौन कौन सिंबल है मेरे पास, ए बी एंड दिस इज सी। पी ऑन ए, पी आ गया पी ऑन ए। अब देखना बेटा, पी से क्लोजर आ गया पी, अब इस पी का चेक करेंगे इसमें, तो पी ऑन ए पी, नाउ फिर अगेन पी का क्लोजर पी, तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट हियर पी, वेरी इजी, सुनते रहिएगा, बस दो तीन लाइन सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, पी ऑन बी, पी ऑन बी के लिए पहले पी का क्लोजर देखेंगे पी, पी ऑन बी क्यू, क्यू का क्लोजर पी क्यू, डायरेक्ट हम रखेंगे पी क्यू। ठीक, नाउ पी ऑन सी के लिए क्या करेंगे, फिर पी का क्लोजर पी, पी ऑन सी आर, आर का क्लोजर पी क्यू आर, सर पी क्यू आर, वेरी इजी, पी क्यू आर, डन। नाउ जैसे हम लोगों ने एनएफए किया था उसी तरह यहां भी करने जा रहे हैं, ये पी डन, नाउ कम टू दिस पी क्यू, दैट्स डन, दिस इज पी क्यू, पी क्यू हमने लिया पी कॉमा क्यू, नाउ लिसन केयरफुली, पी क्यू, पी कॉमा क्यू का क्लोजर देखिएगा, जब हम लोग इसको स्टेप मेथड्स, स्टेप्स बाई स्टेप सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा लंबा, बहुत सारे, काफी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन दैट विल बी द वेरी इजी, जो काम यहां कर रहे वही काम वहां करेंगे। तो पी क्यू का नल क्लोजर, पी यू, पी क्लोजर यूनियन क्लोजर ऑफ क्यू, तो पी क्यू का क्लोजर, भाई अगर मैं बोलूं क्लोजर ऑफ पी कॉमा क्यू, तो पी कॉमा क्यू का क्लोजर क्या होगा, क्लोजर ऑफ पी यूनियन क्लोजर ऑफ क्यू, तो क्लोजर ऑफ पी यूनियन क्लोजर ऑफ क्यू दैट विल बी पी क्यू। अब आ गया नल क्लोजर पी क्यू, पी क्यू ऑन जीरो, पी क्यू ऑन ए, वेरी इजी, पी क्यू ऑन ए दैट इज पी क्यू, अगेन पी क्यू का क्लोजर पी क्यू, सुनिएगा ध्यान से, दैट विल बी द पी क्यू। ठीक, यहाँ छोड़ देते हैं, चलो फिर सुनिएगा, पी क्यू ऑन बी के लिए क्या करूँगा, सुनते रहिएगा लास्ट तक, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पी क्यू ऑन बी, पी क्यू ऑन बी के लिए पी क्यू का क्लोजर पी क्यू, पी क्यू ऑन बी, पी क्यू का, पी क्यू, पी क्यू ऑन बी के लिए पी क्यू का क्लोजर, पहले क्लोजर फिर टेबल फिर क्लोजर राइट डाउन, क्लोजर टेबल क्लोजर राइट डाउन, ठीक, टेबल टू टेबल, पी क्यू ऑन बी, पी क्यू ऑन बी पी क्यू, पी क्यू ऑन बी क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर ऑन क्लोजर पी क्यू आर, यूनियन ऑफ पी क्यू, यूनियन ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर पी कॉमा क्यू कॉमा आर, सर पी क्यू ऑन सी, अगेन क्लोजर टेबल क्लोजर राइट डाउन, तो पी क्यू ऑन सी के लिए पी क्यू का क्लोजर पी क्यू, पी क्यू ऑन सी देख रहा हूँ ना, तो पी क्यू ऑन सी आर यूनियन फाई दैट इज आर, आर का क्लोजर पी क्यू आर, तो दैट सिंपल पी क्यू आर, सर वेरी इजी, राइट, ओके, पी क्यू डन, पी क्यू डन, नाउ कम टू द पी क्यू आर, पी क्यू आर, लेट्स राइट पी क्यू आर, सर पी क्यू आर व्हाट शुड आई डू, थिंक पी क्यू आर क्लोजर, पी क्यू आर का क्लोजर, देन जो भी आएगा उससे टेबल, जो भी आएगा उसका क्लोजर लिख देंगे आप, तो पी क्यू आर का ए, तो पहले पी क्यू आर का क्लोजर निकालूंगा, तो पी क्यू आर का क्लोजर पी यूनियन पी क्यू यूनियन पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर का किसका देख रहे हैं, ए का, तो पी क्यू आर का ए पी यूनियन क्यू यूनियन आर दैट इज पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्लोजर, पी क्यू आर का क्लोजर पी यूनियन पी क्यू यूनियन पी क्यू आर कंबाइंडली पी क्यू आर, तो दैट्स आई एम गोइंग टू राइट हियर पी यू आर। नाउ पी क्यू आर ऑन बी, पी क्यू आर ऑन बी, अगेन लेट्स टेक क्लोजर पी क्यू आर ऑन बी, पी क्यू आर का क्लोजर
union, PQ union, PQR, that is PQR. PQR on B, Q union, R union, phi, that is QR. And QR ka closure, PQ union, PQR, that will be the PQR. That's done. This is PQR. Now, PQR on C, PQR ka closure, P union, PQ union, PQR, that is PQR. PQR on C, R union, phi union, P, that is RP. RP, and closure of RP is equal to union of P, P union, PQR, that is PQR. That is PQR. That's done. Very easy. Now, PQR done. Now come to this PQ. Is this new state generated? No. PQ already done. Done. PQR, is this new generated state? No. PQ already done. Okay. This PQR already done. PQR done. PQR done. PQR done. अगर कोई नया स्टेट होता फिर आगे कंटिन्यू करते चले जाते जैसे कि हम लोगों ने NFA to DFA में किया था. NFA to DFA में जैसा किया था वैसे ही यहाँ करेंगे. सिंपल स्टेप फॉलो करते चले जाएंगे. चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कैसा डायग्राम होगा. वेरी इजी. नेम आप रख लीजिएगा कुछ भी. इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ. यहीं पे बनाऊँ क्या? हाँ, यहाँ पे देखिएगा पी क्यू आर, दैट इज पी. ये हो गया पी. अच्छा, इसमें कुछ वेरीफाई भी करूँगा. इसका डायग्राम बना के इससे डायग्राम से कुछ स्ट्रिंग को हम जनरेट करेंगे, क्या देखेंगे क्या सही है, वैलिडेट करेंगे. तो पी क्यू आर पी एंड दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर. वेरी गुड. नाउ अरे सर, व्हाट विल बी द फाइनल स्टेट, व्हाट विल बी द फाइनल स्टेट? सर कोई बात नहीं, जैसे NFA to DFA में हुआ था, क्या किया था इसमें, फाइनल स्टेट कौन है? आर. जहाँ जहाँ आर होगा वो फाइनल स्टेट हो जाएगा. तो दिस विल बी द फाइनल स्टेट, क्योंकि आर इसके अंदर है. ठीक, और भी आर होता तो सारे फाइनल स्टेट हो जाते. ठीक, ओके. नाउ तो इसके अंदर कौन हो जाएगा फाइनल स्टेट? दिस विल बी द फाइनल स्टेट, दिस विल बी द फाइनल स्टेट. राइट, ओके. लेट्स ड्रा P on A, P means self loop. P on A, self loop. P on B, PQ. P on B, PQ. अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी B इनपुट सिंबल पे दो जगह नहीं जा सकता, क्योंकि डेफिनेटली ये DFA है ना, तो कहीं जाएगा तो डेफिनेटली PQ पे रह जाएगा, कोई दो जगह नहीं जाएगा. अच्छा, P on C, PQR. तो P on C, that is PQR. ऊपर चले गए थे ना, कोई बात नहीं, ऐसे उधर ले जाइएगा. ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में. P on C, बात वही है, P on C, PQR. PQ on A, PQ. PQ on A, PQ. PQ on B, PQR. PQ on B, PQR. PQ on C, PQR. अच्छा, सेम है. ठीक है, PQR on A, PQR. PQR on A, PQR. PQR on B, PQR. PQR on C, PQR. अच्छा, ठीक. Now, this is the DFA corresponding to epsilon NFA. अब आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो रही है वो इससे जनरेट होगी, जो इससे रिजेक्ट होगी वो इससे भी रिजेक्ट होगी. ठीक, तो बहुत सारे स्ट्रिंग ले लीजिएगा. सपोज करिए बी बी, बी बी एक्सेप्टेड. यहाँ पे देखिएगा बी बी एक्सेप्टेड. ठीक, यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए सपोज करिए मैंने बोला ए, ए इज एक्सेप्टेड. क्या ए वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं, ए केवल इसी पे होल्ड कर रहा, मीन्स दिस इज रिजेक्टेड. यहाँ भी रिजेक्टेड, पी पे ए रिजेक्टेड. जो स्ट्रिंग इनवैलिड होगी वो इसके लिए भी होगी,
सेम स्किन, क्योंकि यू नो एप्सिलॉन एनएफए, एनएफए एंड डीएफए बोथ हैव द सेम पावर. ठीक, तो जो भी स्ट्रिंग होगी एक्सेप्ट होगी. दैट्स वेरी इजी टेबल टू टेबल मेथड. वंस अगेन, टेबल लिया, क्लोजर निकाला, फिर उसका टेबल, फिर उससे क्लोजर, राइट डाउन, ऐसे करते चले गए जब तक कि नया स्टेट जनरेट होना बंद ना हो जाए. क्लियर इतना? ठीक, नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करते हैं एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए टीटी मेथड से, और फिर एक और वीडियो में बात करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करेंगे. क्लियर? चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.